अखंड भारत महासंघ की मुरादाबाद जिला इकाई ने जनपद मुरादाबाद में अनुसूचित जाति पर उत्पीड़न की बढ़ती घटनाओं पर चिंता प्रकट करते हुए एसएसपी को एक ज्ञापन पेश किया। दलित समाज के लोग मंगलवार को अखंड भारत महासंघ के राष्ट्रीय महासचिव व मीडिया प्रभारी रविंद्र कुमार राघव एवं जिला अध्यक्ष जयप्रकाश के संयुक्त नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पर इकट्ठा हुए और एक ज्ञापन एसएसपी को पेश किया। ज्ञापन में कहा गया है कि 10 अक्टूबर को अनुसूचित जाति वाल्मीकि लोगों के घर पूजा के दौरान चुनावी रंजिश के चलते वर्तमान ग्राम प्रधान राजेंद्र चौधरी द्वारा गांव के आकाश, राजेश, टिंकू, मनवीर, बाबूराम, सुमित कश्यप, नितिन व दो अज्ञात लोगों द्वारा घर में घुसकर मारपीट की गई और छेड़छाड़ के साथ साथ जान से मारने की नियत से चाकू से हमला भी किया गया। आरोप लगाया गया है कि क्षेत्रीय पुलिस द्वारा घटना की रिपोर्ट दर्ज करने के बजाय पीड़ित के विरुद्ध ही मुकदमा दर्ज करके उनका उत्पीड़न शुरू कर दिया गया है। ज्ञापन में थाना भगतपुर सहित अन्य क्षेत्रों की दलित उत्पीड़न से संबंधित घटनाओं को भी उजागर किया गया। मांग उठाई गई है कि सीओ बिलारी एवं सीओ ठाकुर द्वारा से जांच कराकर प्रभावी कार्यवाही की जाए, अन्यथा 48 घंटे के बाद पूरे प्रदेश में आंदोलन करने पर विवश होना पड़ेगा। ज्ञापन के विषय में जानकारी देते हुए राष्ट्रीय महासचिव व मीडिया प्रभारी रविंद्र कुमार राघव ने बताया, आज कुल मुद्दों को लेकर ये प्रदर्शन किया गया। आज अखंड भारत महासंघ जनपद मुरादाबाद द्वारा विभिन्न थानों में जो अनुसूचित जाति को उत्पीड़न किया जा रहा है, सरकार की छवि को धूमिल किया जा रहा है, कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जी की छवि को भी इस मामले को लेकर संलिप्त और संदेह की घेरे में लाया जा रहा है। आज अखंड भारत महासंघ, क्योंकि हम लोग गुज्जवर महाराज से लगभग 70 वर्षों से जुड़े हुए हैं और जिस छवि से जो छवि पुलिस प्रशासन और शासन और सरकार की बना रही है, उसके लिए पुलिस को आगाह करने के लिए, पुलिस की छवि को प्रशासन में लाने के लिए हमने आज यह ज्ञापन माननीय बलिपूर्वक महोदय मुरादाबाद को दिया है। जनपद मुरादाबाद संगठन श्री जिलाध्यक्ष जयप्रकाश जी द्वारा आज यह ज्ञापन का आयोजन किया गया। ज्ञापन के माध्यम से क्या मांगे? ज्ञापन के माध्यम से ज्ञापन में सब प्रथम प्रकरण जो आ रहा है वो ग्राम इंदरपुर नगला थाना पुनर्की से संबंधित है। इसमें अनुसूचित जाति उत्पन्न वाल्मीकि परिवार के लोगों का थाना और चौकी की पुलिस अधिकारियों द्वारा थाना प्रधान है राजेंद्र चौधरी जाट, चुनावी रंजिश के चलते उनके खिलाफ वह मुकदमा लिखवाता है और 323, 504, 506 के अपराध में, जो कि संघ प्रकृति का अपराध भी नहीं है, उसके घर पर दबिश डलवाता है, उन लोगों को पीटा जाता है, मारा जाता है, उनका मुकदमा कहीं दर्ज नहीं किया जाता, अपितु उनके विरुद्ध ही मुकदमा दर्ज किया जाता है। हमारी मांग यह है उनका मुकदमा दर्ज किया जाए और पुलिस द्वारा जो उत्पीड़न किया जा रहा है तत्काल चौकी इंचार्ज को वहाँ से हटाया जाए, इंस्पेक्टर और सीओ क्षेत्राधिकारी महोदय द्वारा अनुसूचित उत्पीड़न के अंतर्गत मुकदमा रखा जाना चाहिए था, उनकी जाँच ही पूर्ति न करे, सोनी अग्रवाल के भी खिलाफ हमारे कप्तान साहब को एक्शन लेना चाहिए और उनको भी उनका प्रभार चेंज करना चाहिए। इस मौके पर जिला अध्यक्ष जयप्रकाश के अलावा प्रदीप कुमार राज, होराम सैनी, अमित चौहान, विजय कुमार भूरी, शशि एवं पिंटू गौतम सहित अनेक लोग मौजूद रहे।